हेलो वेलकम टू द क्लास क्लास ऑफ सो प्रीवियस में हम लोगों ने एक एक्स बनाना स्टार्ट किया था आज की क्लास में हम लोग उसे एक्स को कंटिन्यू करेंगे सो प्रीवियस क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज आप लोगों से देख ले जहां पे हम लोगों ने हेड मॉडल करना स्टार्ट किया था ठीक है सो हेलो एवरी वन वेलकम टू जी एफ एक्स ज्ञान मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्लास तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपने मॉडल को कम्पलीट कर लिया था थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट कर लेंगे एज यू कैन सी ये जो लाइंस है ये स्ट्रेट नहीं है uh, कहीं पे कुछ लूप्स है जो थोड़े से क्रॉस जा रहे हैं तो उसे हम लोगों को फिक्स कर लेना है सो so दैट आगे हम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर सके ओके सो लेट्स कम टू आवर व्यू तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में एंड लेट्स स्टार्ट फिक्सिंग दिस थिंग सो जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू वर्ड लेक्ट ऑल दिस वर्टाइसिस एंड टेक अ स्केल टूल स्केल टूल लेने के बाद में मैं इसे एक्स एक्सिस में इस तरह से स्केल करूंगा ताकि ये फिलहाल तो ये लाइन हमारे इस तरह से स्ट्रेट हो जाए सो लेट्स टू इट फॉर ऑल दिस ऑप्शन लाइक सो ओके अब सबको नहीं करना चाहते तो कुछ इन वर्टाइसिस को आप ऐसे सेलेक्ट कर ले और इन्हें आप इस तरह से स्केल कर लें जस्ट टू अलाइन दोज पॉइंट ताकि ये ऐसा स्ट्रेटन हो जाए एंड लेट्स कम ओवर ईयर यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी बहुत स्पेसिंग एडजस्ट कर देते हैं सो कीपर शेप ओवर हीयर लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड ओवर ईयर आई कैन सी यहाँ पे एक फ्लोटिंग वर्टेक्स है तो इस फ्लोटिंग वर्टेक्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ लेट्स सी इफ एनी एल्स वी हैव के ओवर ईयर यहाँ पे भी हम लोगों को एक वर्टेक्स मिल जा रहा है इसे भी हम लोग डिलीट कर देते हैं तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बहुत क्लीन अप का जो वर्क है वो कर लेते हैं बिकॉज इसके बाद हम लोगों को थोड़े एजेस और कट्स इनको ऐड करना है सो अकॉर्डिंगली वी विल बी एडिंग दोज कट्स बिकॉज ये अभी अंदर का पार्ट हम लोगों को बनाना स्टार्ट करना है तो विल जस्ट प्लेस आउट द शेप्स एंड ऑल दो थिंग लाइक दिस तो इवन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग रखेंगे ठीक है इफ यू फाइंड कि जो एजेस है वर्टाइस है थोड़े से एक्स्ट्रा है या हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है तो वी कैन जस्ट

ये हम लोगों को इस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स यानी एनगॉन्स मिल जा रहे हैं दे आर नॉट क्वाट्स रीजन बींग दिस थिंग यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस तरह से मर्ज नहीं हुए तो इनको हम लोगों को ब्लॉकआउट करना अब चाहिए तो यहां पे भी आप कर सकते हैं यहां पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एनगॉन है लाइक दिस ओके सो सोल्यूशन इज कि आप चाहिए तो यहां से यहाँ तक शेप को कनेक्ट कर सकते हैं बट विल डू इट लेटर बिकॉज अभी हम लोगों को क्या करना है यहां पे ये शेप पार्ट क्रिएट करना है तो इसलिए मैंने इसे फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं किया था बिकॉज ये हम लोगों को कटआउट करना है शेप बीच में से बिकॉज अगर हम लोग अपने एक्चुअल रेफरेंस इमेज को देखें, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो बीच के शेप्स हैं, ये सब इस तरह से गैप्स हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ ये पुश्ड हुआ है एक्सट्रूडेड है और उसके ऊपर ये इस तरह से ये पैटर्न और डिजाइन है तो सिमिलरली हम लोगों को ऐसा ही कुछ शेप तैयार करना है ना यू कैन सिंपली कट आउट ऑल्सो और या फिर आप उसे एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ भी मूव करके रख सकते हैं तो आर योर सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट तो लेट्स कंटिन्यू इन माया और राइट तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस तो अब हम लोगों को क्या करना है ये जो इन बिटवीन शेप्स हैं इन्हें हम लोगों को क्रिएट कर लेना नाउ एज ए सेड यू कैन स्टार्ट ड्राइंग इट मैनुअली आप मैनुअली इसे चाहिए तो ड्रॉ कर ले सो दैट यू कैन एड पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियरलीवेयर लाइक दिस इस तरह से हम लोग इसे पोजिशन करके रख सकते हैं सो जस्ट सेट दिस पॉइंट ताकि ये हम लोगों को अच्छे से स्पेसिंग मिल जाए ओवरलैपिंग ना हो तो ऐसा हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे हाउ टू क्रिएट दिस शेप्स वट यू कैन डू सिंपली टेक योर मल्टी कट टूल मल्टीपल टूल आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिंग स्लाइसिस एंड ऑल दो सिंपली आप ड्रॉ करते जा सकते सो वॉट यू कैन डू लेट्स अब ऐसे ओपन फेस के ऊपर भी इस तरह से कट ऐड कर सकते हैं लेट्स कट इट लाइक दिस तो इस तरह से आपका एक कट एड हो जाएगा सो यू कैन सी आई एम जस्ट एडिंग कट्स लाइक दिस इस तरह से हम लोग कट्स एड कर दे रहे हैं तो फिलहाल हम लोग अपना लेआउट कर लेते यानी ड्रॉ कर लेते देन उसके बाद में मैं यहाँ पे आगे जाके चेंजेस कर सकता हूँ कि कैसा हम लोगों को पॉइंट्स को रखना है सो वी कैन मॉडिफाई दो थिंग्स लेटर सो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ ऑल दिस एंटायर शेप राइट तो ये हमारा इस तरह से शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है एज यू कैन सी ये मैंने शेप को ड्रा किया कुछ रिफाइनमेंट्स करने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को ये इस तरह से राउंड चाहिए कर्व चाहिए अब इसे आप मैनुअली पोजीशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से एक आ, रेफर के हिसाब से रेफरेंस के हिसाब से आप इसे पोजिशन कर ले ठीक है लाइक दिस सो दैट दे आर इवनली स्पेस्ड यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पेसिंग थोड़ी सी ऑफ है ले केन जस्ट मूव इट जस्ट एडजस्ट दो पॉइंट्स सो दैट यू कैन अरेन्ज इट लाइक दिस तो ऐसे आप इसे अरेन्ज कर ले यू कैन यूज ऑल द अवेलेबल टूल जो भी आपको यहां पर मिल जा रहा है आप उसका इस्तेमाल करें यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी टूल गलत है या फिर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नो यू कैन यूज ऑल द अवेलेबल टूल्स टू क्रिएट योर आर्टवर्क और डिजाइन एनी थिंग ठीक है सो मोस्टली टूल्स से ज्यादा अगर आप फोकस करते हैं अपने शेप के ऊपर ज्योमेट्री के ऊपर सी टूल्स आर जस्ट हेल्पिंग मी अगर मुझे मेरा ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगा मेरा शेप मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा सो so, टूल्स तो आपको कैसे भी हेल्प कर देंगे बट अगर आपको आपकी ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे नाउ लेट्स कनेक्ट दिस पॉइंट्स एंड लेट्स फिक्स दिस ऑल्सो तो यह भी अभी हम लोगों को एक्सट्रूट करना है या डिलीट करना है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत Uh, इसे करेक्शंस कर लेते हैं सो बेस्ड ऑन डैट वी विल बी डूइंग आवर एक्सट्रूजन और डिलीशन तो हम लोग डिलीट करने से पहले तो लेट्स फिक्स दोज थिंग्स तो यहाँ पे भी मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ सो एज यू कैन सी हमारा जो एजेस हम लोगों ने ऐड किया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों के लिए ईजी हो जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को कटआउट करना ऐड करना एंड ब्लेंड करना एज यू कैन सी सो एम जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं आके क्या कर रहा हूँ कॉम्पोनेट्स को कनेक्ट कर दे रहा हूं तो आपको यहां पे आके सिर्फ वर्टाइसिस को ऐसे कनेक्ट कंपोनेंट के हेल्प से कनेक्ट कर देना है लाइक दिस ओके सो ये हो गया मेजर अब यहां पे आपको क्या करना है यहां पे भी आपको इस तरह से कुछ पॉइंट्स uh, को एड करना है सो लेट्स सिलेक्ट दिस टू पॉइंट्स एंड कनेक्ट them यहाँ पे भी हम लोग क्या करते तो हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग कनेक्ट करेंगे अब ये बहुत लंबा हो जा रहा है बिकॉज यहाँ पे ये यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है बट उसे हम लोग बाद में फिक्स करेंगे देखेंगे अगर होगा तो हम लोग यहाँ पे एक एच और ड्रॉ कर देंगे सो दैट यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाए सो लेट्स डू इट राइट नाउ सो पहले हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे इनिशियल सेटअप कर लेते हैं एंड आगे जाके फिर हम लोगों को जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से हम लोग चेंजेस करेंगे लाइक दिस राइट Uh, यहाँ पे तो हम लोगों को शायद से ये शेप ड्रॉ करना पड़े तो इसको हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे की तरफ जाते हुए सो so, अभी फिलहाल मैं इसे कनेक्ट नहीं करता हूँ या फिर लेट्स जस्ट कनेक्ट इट एंड लेटर हम लोग इसे फिक्स कर लेंगे तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूँ सो जस्ट कनेक्ट कॉम्पोनेंट ओवर हियर ऑल्सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स क्रिएट अ ट्राइंगल शेप लाइक दिस एंड हम लोग इसे भी इसे कनेक्ट कर लेते हैं एंड लेटर इफ फिल सी अगर कुछ जरूरत हुई तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे सो राइट नाउ आई एम नॉट कम्प्लीटली फिनिशिंग इट और मैं ज़्यादा इस पर फिनिशिंग डिटेल्स नहीं ऐड कर रहा हूँ जस्ट मैं अभी यहाँ पे ब्लॉकिंग का ब्लॉकिंग के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सो दैट आगे जाके मेरे पास एक ऑप्शन मिले कि मैं कैसे आगे जाके काम करूंगा उसके अंदर चेंजेस जैसी होगी मैं उसे उस रिक्वायरमेंट उस के हिसाब से फर्दर काम करना स्टार्ट करूँगा सो लेट्स जस्ट ब्लॉक आउट द शेप्स लेट्स अरेंज इट करते हुए uh, अब जो मेजर पार्ट है हम लोगों को यहां पर करना है एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स शेप मिल रहा है सो वट वी कैन डू लेट्स कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स यहां से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मैं इसे एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन ये जो एज हमारा ट्रेवल कर रहा है मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ

नेक्टेड एंड नाव आई कैन डू वर्ग लेट्स डिलीट दिस एंड यहां पर मैं इस वर्टेक्स को थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस राइट लेट्स कीप ऑन अरेंजिंग इट तो इसे मैं ऐसे अरेंज करके रख सकता हूँ तो यहाँ पे भी ये हमारा इस तरह से शेप ड्रॉ हो जाएगा नाव या लेफ्ट विथ दिस थिंग अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहां से यहाँ तक आप कनेक्ट कर सकते हैं यहां से यहां तक आप इसे कनेक्ट करके रख सकते हैं लाइक like दिस तो ये भी हमारा शेप हो जाएगा अब यहां पे आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है शेप ऐसा जा रहा है सो टू फिक्स दिस थिंग वट यूल डू लेट्स जस्ट क्रिएट अ शेप लेट्स ड्रॉ लाइक दिस यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे एक शेप ऐसा ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे जस्ट डिलीट दिस शेप लाइक दिस ऐसे हम लोग इसे डिलीट कर देंगे ठीक है अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ साइड व्यू में ही काम कर रहे हैं तो इन वर्टाइसिस को और इन को सिलेक्ट करने के लिए डिलीट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा एज यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल शेप ठीक है तो ये एज जो हम लोगों ने डिलीट किया तो यहां पे ये ट्राइंगल मिल रहा है तो सिंपली यू कैन डू यू कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट दिस वर्टेक्स एंड मैं इसे यहां पे ऊपर की तरफ इस जगह पे वेल्ड कर देता हूं तो लेट्स मर्ज इट और ये हमारा आ गया इस जगह पे और मर्ज like so, हो चुका है लेटेस्ट सो ये ऑलमोस्ट uh, हो चुका है यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे इसे भी आपस में कनेक्ट कर देंगे ठीक है सो वी आर गेटिंग सम ट्राइंगल्स एंड ऑल दो थिंग ऑल्सो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हम लोग फिलहाल अभी ऐसा रहने देते हैं आगे हम लोग से करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड एड वन मोर एच और यहाँ से आप इसे फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज हम लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है तो आप चाहिए तो यहाँ पे उसमें करेक्शंस कर सकते हैं तो लेट्स जस्ट मूव दिस थिंग एंड यू कैन सिंपली पुट अ पॉइंट लाइक दिस और इसे आप डिलीट कर दें एच को यू कैन डिलीट इट सिमिलर थिंग यू कैन डू इट ओवर हियर आल्सो लाइक सो ऐसे आप इसे डिलीट कर दें एंड देन लेट्स जस्ट स्पेस आउट द शेप तो ये हमारा जो ब्लेड का शेप है वो हम लोगों को मेंटेन करके रखना है सो यू कैन स्टिल गो ऑन मॉडिफाइंग इट सो बस इस शेप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीड के हिसाब से आप चेंजेस करते जाएं जहां पे रिक्वायर्ड हो एजेस और कट्स को ऐड करें और उस शेप को आप मॉडिफाई कर लें अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा शेप बना है अब उसे हम लोगों को बोथ साइड चेक कर लेना है दोनों साइड हम लोग देख लेंगे हमारा शेप कैसा जा रहा है थ्री प्रेस करके स्मूद आउट करके आप देखें ठीक है लाइक दिस और राइट सो दिस लुक्स गुड इनफ सो नाउ व्हाट यू कैन डू यू कैन सिंपली सेलेक्ट दिस ऑल फेसेस तो मैं यहां पे आ जाता हूं लेट्स क्लिक एंड ड्रैग तो शिफ्ट दबा के मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लेता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट लाइक सो कंट्रोल शिफ्ट लाइक like सो so. तो ये हमारा इस तरह से ये सिलेक्शन हो चुका है अब आप क्या कर सकते हैं आप इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं सो यू कैन टेक एक्सट्रूड टूल लेट्स सेलेक्ट एक्सट्रूड एंड लेट्स एडजस्ट द थिकनेस तो यहां पे हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है थिकनेस एडजस्ट करने का तो अंदर की तरफ हम लोग इसे मूव कर सकते हैं लाइक दिस दिसट तो ये हमारा शेप मूव हो गया कुछ ऐसे तो अगर हम लोग थ्री प्रेस करके देखें तो वी आर गेटिंग दिस शेप ऑल रेडी लाइक दिस ठीक है नाउ व्हाट आई डू आई जस्ट गो बैक टू माय फेस अगेन लेट्स सिलेक्ट दैट फेसेस फेसेस को सिलेक्ट रखते हैं तो ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है अब मैं क्या करूंगा इन पीसेस को सेपरेट कर लूंगा क्योंकि मुझे यहां पे कुछ डिटेल्स uh, एड करनी है तो अगर मैं यहाँ पे इसे कनेक्टेड रख के अगर चीजों को ऐड करता हूँ एजेस को ऐड करूंगा तो यहां पे ये फ्लो जो है ये कंप्लीट ऊपर तक या फिर अननेसेसरी जगह पे यहाँ पे मेरा एच का फ्लो ट्रेवल करने लगेगा अगर वो अटैच होंगे तो ठीक है एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे इसके ऊपर टेक्सचर और मटेरियल भी हमारा आगे जब हम लोग टेक्स्चरिंग अनपिंग यू वी रैपिंग देखेंगे उस वक्त मैं जब आपको बताऊंगा तब यहां पर हम लोगों को ये सेपरेट पीस ही चाहिए सो आई एम कीपिंग दिस एज अ सेपरेट पीस ओनली तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एडिट मेस में आने के बाद में इसे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ताकि एक एक सेपरेट पीस हो जाए लाइक like दिस तो ये ओवरऑल अब एक पीस सेकेंड पीस हम लोगों को मिल जा रहा है लाइक दिस सो इफ आई जस्ट टर्न ऑन वायर फ्रेम इस तरह से लाइक दिस सो नाउ व्हाट आई कैन डू आई कैन गो टू चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर और मैं इसे एक नए लेयर में ऐड कर देता हूं इस तरह से एंड आई कैन डू एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री मेक श्योर करें कि आप हिस्ट्री इसको डिलीट करते रहे बिकॉज हमारी बहुत हिस्ट्री लंबी चौड़ी हो जा रही है तो इसे हम लोग क्लियर करते रहेंगे ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा फास्ट होता रहे राइट सो ना लेट्स वर्कआउट ऑन अदर पार्ट्स अदर डिटेल्स अभी मैं अगर इसे देख लूँ तो आई कैन जस्ट सी हार इट लुक्स लाइक लेट जस्ट हाइट दिस लेयर एंड अब हम लोगों को क्या करना है जो बीच के गैप्स हैं इन्हें फिल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे एजेस हैं इन सब लोगों को हम लोगों को ब्रिज कर लेना है सो लेट्स डबल क्लिक डबल क्लिक ऑल द एजेस हमारा सिमेट्री ऑन है तो हम लोगों को सिर्फ एक साइड का ही एज सिलेक्ट करना है ना अपोजिट साइड का एज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन जस्ट डू अ ब्रिजिंग तो हम लोगों को ब्रिज मिल जाता है ब्रिज कर लेंगे लेट्स सी हाउट कोस्ट इट्स नॉट गोइंग करेक्ट लेट्स डू इट वन बाय वन चलो देखते हैं सिलेक्ट करते हैं and let's do bridge okay bridge bridge symmetry select hone ka benefit ye hota hai ki fir aapko sirf aapka command use karna hai repeating command aur ye automatically aapka is tarah se set ho jata hai now if i press 3 this is how my x blade looks like doesn't it look good तो ये हमारा shape भी cut out हो गया और ये वाला भी अगर हम लोग piece देखेंगे तो ये इसके अंदर ऐसे fit होगा इसके ऊपर भी हम लोगों को सेम काम करना है हम लोगों को ब्रिजिंग करना है और थोड़ा सा डिटेलिंग का काम हम लोगों को इसके ऊपर भी स्टार्ट करना है बट फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस थिंग तो अब हम लोगों को क्या करना है बाकी का काम स्टार्ट करना है बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे शार्पनिंग देना है थोड़ा सा एंड अदर डिटेल्स वी हैव टू एड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेलेक्ट दिस एच ओ भैया लेट्स मेक द कॉर्नर्स शार्प तो एजेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है देन यू विल गो एंड सेलेक्ट बेवल एंड पुट टू सेगमेंट लाइक दस थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन कम करेंगे एंड नाइन फाइव प्लस थ्री एंड सी कैंड सी हमारा इस तरह से एच शार्प हो रहा है अब ब्लेड का भी हम लोगों को शार्पनेस एडजस्ट करना है सो so, ब्लेड के एच के शार्पनेस के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्प्लिट्स uh, को यानी कि वी कैन एड समर बट विल गो कम टू दैट थिंग लेटर पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजों पर काम कर लेते हैं सी अदर पार्ट्स तो यहाँ पर भी हम लोगों को शार्पनेस करने की ज़रूरत है तो इस जगह पर हम लोग मल्टी कट टूल लेंगे एंड विल जस्ट पुट सम कट्स क्लोज लाइक दिस एंड कट्स क्लोज लाइक दिस एंड मैं यहाँ पर इन वर्टाइसिस को थोड़ा सा स्लाइड करके ऐसा लेके आ जाऊँगा ताकि ये ज़्यादा इस जगह पे शार्पनेस ना दे एंड वी कैन सी हार्ट लुक्स लाइक दिस लुक्स गुड इनाफ और राइट तो ये अब हमारा डिटेल आना स्टार्ट हो जा रहा है शेप में लेट्स डू इट ओवर हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे कुछ ऐसे एंड वी आर गेटिंग दिस शेप्स ओवर दिसने राइट दिस लेट्स डू इट ओवर हेयर ऑल्सो अब यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट करना होगा बिकॉज ये एनगॉन हो जा रहा है क्वाड नहीं है तो थोड़ा सा मैनुअल हम लोगों को अप्रोच लेना पड़ सकता है सो लेट्स पुट सम

एच फ्रॉम हेयर टू हेयर तो ये भी सब हमारा क्वार बन के रेडी हो जाएगा शेप ठीक है सो देर वी एनी एन गंग्स तो ये क्वार शेप्स हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे सेम थिंग यहाँ पे भी हम लोगों को करना है लेट सेलेक्ट दिस एच दिस एच एंटायर एच ये भी शार्प होगा हमारा सो लेट्सलेक्ट अवर बेबल बेबल सेलेक्ट करते हैं लेट्स एड टू सेगमेंट्स फ्रैक्शन हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे एंड लेट्स प्रेस थ्री टू सी इट लुक्स लाइक के दिलेक्ट स्कूल तो ये भी हमारा हो रहा है शेप तैयार धीरे धीरे ओके यहाँ पे कुछ हमारे शायद से एजेस रह गए हैं तो इन्हें हम लोगों को कनेक्ट कर लेना सो लेट्स सेलेक्ट दिस थिंग एंड जस्ट कनेक्ट कॉम्पोनेंट कनेक्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पे आके कनेक्ट कॉम्पोनेंट्स कर लेते हैं लेट्स सी एनी वेयर एल्स यहाँ पे भी है सो लेट्स कनेक्ट कॉम्पोनेंट सो जैसे जैसे आप बनाते जाए वैसे वैसे आप Uh, थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखते जाएं कहीं पे कुछ ज्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट गो ऑन मेक दोज एडिट्स ओके नाउ व्हाट आई कैन डू आई कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट एंड एडिट डिलीट दिस एजेस नीड दिस थिंग जैसे मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे आगे जाके चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं लेट्स जस्ट डबल क्लिक दिस थिंग एंड नाउ लेट्स जस्ट डू अ स्प्लिट दो फ्रैक्शन लाइक दिस सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो

तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इन एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इन्हें हम लोग स्लाइड कर सकते हैं लाइक दिस सो दैट दे डोंट मेक दैट एरिया टू टाइट तो इसे हम लोग स्लाइड कर लेंगे ऐसा तो यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइटनेस नहीं मिलेगा हम लोगों को ठीक है बाकी ये इस तरह से ब्लोट हो रहा है थोड़ा सा बबल जैसा दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज हम लोगों को भी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स को ऐड करना है लेट्स सिलेक्ट दिस वर्टाइस इसे थोड़ा अंदर की तरफ पुश करते लाइक सो ओके, लाइक ऑलराइट। लेट जस्ट चेक राइट सो ओवरऑल अब हमारा जो बेसिक शेप का डिटेल है वो आना स्टार्ट हो चुका है नाउ लेट्स जस्ट मेक दिस प्लेट शार्प तो इसके लिए आप अगेन यहाँ पे मल्टीकट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेट्स पुट कट्स लाइक लाइक सो नाइफ बी सी तो ये अब हमारा ब्लेड इस तरह से शार्प हो चुका है राइट नाउ यू कैन सी हाउ गुड आवर दिस ब्लेड लुक्स लाइक और राइट तो ये हमारा यहां तक शेप थोड़ा रेडी हो चुका है अब हम लोगों को क्या करना है थोड़ा सा इनको भी शार्पनेस प्रोवाइड करनी है यानी थोड़ा सा हम लोगों को इसे भी स्मूथ करना है तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस सेलेक्ट दिस एजेस सेलेक्ट ऑल दिस एजेस लाइक दिस इन एजेस को हम लोगों को लूप्स को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन लेट्स अप्लाई अ स्मॉल बेवल टू दोस फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे एक सेगमेंट ऐड कर देंगे एंड लेट्स कीप देम शार्प इनफ तो ये अब हम लोगों को यहाँ पे शेप मिल जा रहा है right, तो now this our shape looks neat and clean. इस तरह से हमारा शेप अब दिखाई दे रहा है लाइक दिस ओके तो दिस स्मूथ नीट एंड क्लीन और राइट गाइज तो आज की क्लास में इतना ही बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में बाकी का आपको मैं शेप बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं बाकी के डिटेल्स कैसे ऐड करने हैं इस हेड के ऊपर वो सब कुछ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में सो आई होप आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई रहेगी आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें कॉमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें जो लोग मॉडलिंग थ्री ग्राफिक्स वीफिक्स सीखना चाहते हैं उन्हें आप लोग बोले कि मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए और राइट सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग